मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट सेशन वी हैव रिवाइज्ड द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जीयूआई विंडोज 10 एंड देयर एक्सरसाइजेस। ओके, क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए थे, 4 क्वेश्चन आंसर्स तक हमारे हो गए थे, ठीक है। उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। 5th क्वेश्चन इज राइट डाउन द स्टेप्स टू शट डाउन विंडोज। विंडोज को शट डाउन करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं? कैन फॉलो दीज स्टेप्स टू शट डाउन द विंडोज। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द पावर आइकन ऑन द स्टार्ट मेनू, और जो स्टार्ट मेनू में पावर आइकन होता है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द शट डाउन ऑप्शन। उसके बाद उसमें 2-3 ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि रीस्टार्ट, शट डाउन, कैंसिल, इस तरह करके आपको कई ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। तो आप उसमें क्या चूज़ करेंगे? आप शट डाउन। और जैसे ही आप शट डाउन चूज़ करेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो सिस्टम है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अगर आपने कोई एप्लीकेशन खोल रखी है तो वो आपसे पूछेगा कि आपको उसको सेव करना है, क्या करना है। तो और अगर फोर्सफुली क्लोज करने के लिए बोलेगा तो आप अगर ओके करते हैं तो वो क्लोज भी कर देगा, ठीक है। अगर आप नहीं कुछ उसको कमांड देंगे तो हो सकता है कि वो बिना सेव किए भी क्लोज कर दे। तो इसलिए जब भी आप अपना सिस्टम शट डाउन करिए तो सारे एप्लीकेशंस को पहले क्लोज कर दीजिए, उसके बाद आपको अपना सिस्टम शट डाउन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड शट डाउन मोड। बच्चों, इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपकी बुक में नहीं आता है तो आप उसको अपनी क्लास का कॉपी में विद क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको लर्न करना ईजी हो और आपको साफ सुथरा नजर भी आए। नहीं तो आप क्या करते हैं, उसी में सटा सटा करके लिख देते हैं कंजेस्टेड वे में, तो फिर वो आपको भी प्रॉब्लम करता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो उसको अपनी क्लास का कॉपी में क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन के साथ में आंसर लिख सकते हैं। ओके, देयर आर मेनली 2 डिफरेंसेस बिटवीन स्लीप एंड शट डाउन। फर्स्ट इज स्लीप में क्या होता है, सेव पावर कंजम्पशन विदाउट पावर ऑफ। ये क्या करता है कि आपके पावर कंजम्पशन को बचाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करता है बिना पावर ऑफ किए, यानी कि बिना सिस्टम को या पावर स्विच को ऑन ऑफ किए आप अपने पावर कंजम्पशन को रोक सकते हैं। लेकिन शट डाउन में क्या होता है, सेव पावर कंजम्पशन बाय टर्निंग और कंप्यूटर ऑफ। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका जो पावर कंजम्पशन है वो बचेगा, लेकिन कंप्यूटर को बंद करने के बाद, ठीक। दूसरा डिफरेंस क्या है, स्लीप में नॉट क्लोज एनी एप्लीकेशन। स्लीप मोड में क्या होता है कि आपकी स्क्रीन क्लोज हो जाती है लेकिन आपके एप्लीकेशंस पीछे रन होते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी स्क्रीन में रेजोल्यूशन के लिए, आपको डिस्प्ले के लिए लाइट लग रही है, वो लाइट आपकी बचती है, तो वो क्या हो गया, आपका पावर कंजम्पशन कम हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, शटडाउन में क्लोज ऑल द एप्लीकेशन, और इसमें लेकिन क्या होता है कि सारे एप्लीकेशंस भी क्लोज हो जाते हैं। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक। अब आगे हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। हमारा फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट है, डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपकी हेल्पिंग बॉक्स दी हुई है उसमें उसके अनुसार आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज। वैसे तो बहुत कोई भी विंडोज का नाम आप लिख सकते हैं, विंडोज 10 भी लिख सकते हैं, विंडोज 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी विंडोज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके हेल्पिंग बॉक्स में विंडोज दिया हुआ है जो कि यहाँ पे फिट होता है, तो ये आपका आएगा विंडोज, ठीक है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डैश। कौन सा है फर्स्ट वर्जन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, विंडोज 1.0। विंडोज 10 ब्रॉट बैक द डैश। विंडोज 10 में क्या चीज वापस आई थी, स्टार्ट मेनू, ठीक है। मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया भी था, तो यहाँ क्या आएगा, स्टार्ट मेनू। रीसाइकल बिन डिस्प्लेज द फाइल एंड फोल्डर दैट हैव बीन डैश फ्रॉम द कंप्यूटर। रिसाइकल बिन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को डिस्प्ले करता है, किस तरह की फाइल्स को, डिलीटेड फाइल्स को, क्योंकि डिलीट होने के बाद फाइल्स कहाँ जाती हैं, हमारी रिसाइकल बिन में, है ना। क्योंकि रिसाइकल बिन मैंने आपको चैप्टर समझाते समय बताया भी था कि एक तरह का डस्टबिन होता है जो कि कंप्यूटर का डस्टबिन कहलाता है, उसका आइकन भी डस्टबिन जैसा इसीलिए बना होता है कि उसमें डिलीटेड फाइल्स चली जाती हैं, कि इनकेस कभी गलती से आपसे डिलीट हो गई तो आप वहां से वापस ले सकें। लेकिन अगर आपने एक बार रिसाइकल बिन एम्प्टी कर दिया तो आपकी फिर डिलीटेड फाइल्स भी वापस नहीं आ सकती, ठीक है।
द राइट साइड ऑफ द टास्क बार कंटेन्स द डैश. राइट साइड के सॉरी टास्क बार के राइट साइड में क्या होता है? नोटिफिकेशन एरिया. राइट ट्रू और फॉल्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट ट्रू और फॉल्स फ्रॉम द फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, स्मॉल पिक्चर्स डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स. जो स्मॉल पिक्चर डेस्कटॉप पे दिखती हैं वो क्या कहलाती हैं? आइकन्स. तो सही है ना, आइकन्स ही कहते हैं उनको हम. विंडोज 10 इज द लेटेस्ट ओएस वर्जन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. इस समय सबसे लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है विंडोज का? विंडोज 10, और वो भी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का. तो इट इज ऑल्सो ट्रू. द टास्क बार इज प्लेस्ड बाई डिफॉल्ट एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन. टास्क बार कहाँ प्लेस्ड होता है? बॉटम में, है ना. और यहाँ पे इसने क्या बोला है कि बाई डिफॉल्ट वो टॉप पे होता है, तो नहीं ऐसा है, तो फॉल्स होगा. यू कैन नॉट रिट्रीव द फाइल्स यू हैव डिलीटेड. क्या आप अपनी डिलीटेड फाइल्स को रिट्रीव नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, वापस ले सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स. Applications are opened by clicking anywhere on the screen. Start screen. कोई भी application आप start screen के ऊपर click करके open कर सकते हैं? नहीं ना, आपको उसी application के ऊपर click करना पड़ेगा उसको start करने के लिए. तो ये क्या होगा? False. Okay. बच्चों अब इसके आगे आपकी exercise में है answer the following in one words. तो इसमें आते हैं what is the name of the opening screen of Windows. जो हमारी ओपनिंग स्क्रीन होती है विंडोज की उसको हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप. वेयर विल यू क्लिक टू चेंज द सेटिंग ऑफ योर कंप्यूटर. अगर आपको अपने कंप्यूटर की सेटिंग चेंज करनी है तो हमें कहाँ क्लिक करना पड़ता है? कंट्रोल पैनल में, है ना. तो यहाँ पे क्या आएगा? कंट्रोल पैनल. विच फोल्डर स्टोर्स ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर. कौन सा फोल्डर सारी डिलीटेड फाइल्स को स्टोर करता है? रिसाइकल बिन. अभी उसमें पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक्स में. विच वॉज द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन कौन सा है? विंडोज 1. विच ऑप्शन रिड्यूस द कंप्यूटर्स पावर कंजम्पशन विदाउट एग्जिटिंग विंडोज 10 और क्लोजिंग एप्लीकेशन. कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पावर को रिड्यूस करता है बिना कंप्यूटर को बंद किए हुए और बिना एप्लीकेशन को बंद किए हुए? कौन सा होता है? स्लीप मोड. बताया था ना, स्लीप मोड में क्या होता है कि एप्लीकेशंस रन होते रहते हैं, सिर्फ आपका सिस्टम बंद दिखता है आपको, जबकि वो एक्चुअली बंद नहीं होता. वो आपका पावर कंजम्पशन को रोकता है. जबकि शटडाउन मोड में क्या होता है कि आपका सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो जाता है विद एप्लीकेशंस. ओके, लास्ट है आपका मैच द फॉलोइंग दिस पीसी. तो यहाँ पे आपको बच्चों आपको फिगर से मैच कराना है, जो कि मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपको, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना. और आप लोगों ने करके भेजा भी था मेरे पास में. बच्चों मैं बार बार यही कहती हूँ कि जब भी आप मैच द कॉलम करिए तो नंबरिंग से किया करिए. इससे क्या होगा, आपकी बुक भी गंदी नहीं होगी. और क्रॉस हॉर्स करने से क्या होता है कि बड़ा कन्फ्यूजन होता है. अगर आपने एक बार ऐसे लाइन खींची और उसके बाद लगा नहीं 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 ये नहीं है, फिर आप इरेज करके दूसरी लाइन, तो उससे क्या होता है, गंदा भी होता है, आपका वर्क डर्टी होता है और क्लियरिटी नहीं रहती और कंफ्यूजन भी हो सकता है. तो हमेशा नंबरिंग से मैच कराना चाहिए. ठीक है, जिसकी जो नंबरिंग है उसके आगे उसकी नंबर डाल दीजिए, तो आपका मैच भी हो जाता है और साफ सुथरा वर्क भी दिखता है, नीट एंड क्लीन वर्क दिखाई देता है. ओके बच्चों, फिर आज की एक्सरसाइज और ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है. अब हम आते हैं आज के होमवर्क पे. योर टूडेज होमवर्क इज Answer the following in one words. आपको जितने भी answer और following one words हैं, इसको learn करके अपनी homework copy में write करके भेजना है. ठीक है, learn करके write करिएगा. कोई भी book की image नहीं भेजिएगा और ना ही classwork copy की image भेजिएगा. Classwork copy में भी इसको नहीं करना है आपको. आपको अपनी homework copy में इसको अच्छे से learn करने के बाद ही लिख करके भेजिएगा. इससे क्या होगा कि आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, लर्निंग भी हो जाएगी और आप अपने को चेक भी कर लेंगे कि कितना आपको लर्न हो चुका है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.